आपका स्वराज एक्सप्रेस में मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव के लिए शनिवार सुबह 8 बजे से मतदान शुरू हो चुका है। पूरे प्रदेश में एक ही समय मतदान के लिए निर्धारित किया गया है। राज्य में आमजन के साथ ही नेता मंत्री और प्रशासनिक अधिकारी भी अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। अब तक प्रदेश में 20% मतदान हुआ है। सबसे ज्यादा महिलाएं मतदान को लेकर उत्साहित है। मतदान शाम 5 बजे तक चलेगा। तो बता दें आपको, छत्तीसगढ़ में मतदान शुरू हो चुका है। नगरीय निकाय चुनाव के लिए मतदान लगातार जारी है। सुबह से अब तक प्रदेश में 20% मतदान हो चुका है। नेता और अधिकारी भी अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी लोगों से अपील की है, अधिक से अधिक मतदान करने की अपील जो है लगातार की जा रही है। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव के लिए पूरे प्रदेश में मतदान जारी है। वोटर्स प्रदेश के 151 नगरीय निकायों के 2844 वार्डों के लिए पार्षदों का चुनाव करेंगे। कांग्रेस और 15 साल बाद विपक्ष में बैठी भाजपा के बीच सीधा मुकाबला है, लेकिन पहली बार कई शहरों में त्रिकोणीय मुकाबले की भी स्थिति बनी हुई है। पहली बार निकाय चुनाव में जो कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अपना भाग्य आजमा रही है। दोनों दलों के उम्मीदवारों का परफॉर्मेंस चाहे जैसा हो, लेकिन जीत हार वाली सीटों पर या नतीजों के प्रभावित करने के अहम भूमिका निभा सकते हैं। 16 साल बाद यहां फिर बैलेट पेपर से मतदान हो रहा है। रायपुर में कांग्रेस विधायक सत्य नारायण शर्मा और कलेक्टर एस भारती दासन ने भी अपनी पत्नी के साथ मतदान किया। सुबह 10 बजे तक रायपुर में 18% मतदान हो चुका था। मतदान केंद्रों में यहाँ नाश्ता बांटा जा रहा है। आपको किसने भेजा है नाश्ता लेकर? ये भैया गए ना सामने। और कौन सा पार्टी वाले हैं? ये पंजाछाप। पंजाछाप के कौन भैया दिए आपको ये नाश्ता? वहाँ से भेजा गया ना भैया। कहाँ से? कार्यालय से। कार्यालय कौन सा कार्यालय? पंजा। पंजा वाले कहाँ पे? यहाँ पे टाटीबंद का कार्यालय है, भारत माता स्कूल के पास। किसने किया इसको दिया, उसका नाम क्या है? अब यहाँ 4-5 जन है, नाम नहीं जानता उनका। अच्छा, तो आपको पैसा दे रहे हैं ये बांटने के लिए? नहीं नहीं, लेके चलो बोले। लेके चलो। कहाँ कहाँ दिए हैं आप लोग? कितने लोग आए थे यहाँ पे? उधर दिया ना, कहाँ पे? सामने कमरे में, बूथ क्रमांक में। कौन सा वहाँ पे कितने लोग को दिए, कौन सा बूथ क्रमांक है? मैं कैमरामैन से कहूंगा कि दृश्य यहाँ पे दिखाएं। यहाँ पे सुरक्षा बल तैनात है, उनके बीच में पार्टी का तो व्यक्ति यहाँ नाश्ता बांट रहे हैं। और इस बीच में देख सकते हैं तस्वीर सीधी, ये कितने लोगों को यहाँ पे दिए थे आप लोग? चार लोग। ये बूथ क्रमांक भगत सिंह वार्ड का बूथ क्रमांक 251 है। यहाँ पे सुरक्षा कर्मी तैनात है, उसके बावजूद घुसकर यहाँ पे अंदर नाश्ता बांटने के काम जारी है। इनके बताया मुताबिक ये पंजा छाप बता रहे हैं, पंजा छाप के लोग इनको यहाँ भेजे हैं। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि इनको रोका भी नहीं जा रहा है। यहाँ पे ऐसे 8 से 10 लोग हैं जो कंटिन्यू इनका आना जाना है और इनका कहना है। और यहाँ पे आप देखिए कि गेट पे सुरक्षा कर्मी तैनात है, उसके बावजूद इस तरह का मामला सामने आ रहा है। और कितने लोग हैं यहाँ पे आप लोग के साथ? 3-4 जने हैं ना। 3-4 लोग कहाँ गए और बाकी लोग? हर रूम में जा रहे हैं, देख रहे हैं। हर रूम में जा रहे हैं, कोई रोक नहीं रहे आप लोगों को? वहाँ चेक किए उसके बाद भेजा गेट। नहीं, इन गेट पे आप अंदर जा रहे हैं, आपके पास कुछ कार्ड है? कौन सा कार्ड है दिखाइए। ये आपने मतदान किया? नहीं किया हूँ। उंगली दिखाइए। नहीं किया हूँ। अब मैंने मतदान नहीं किया, फिर भी आप अंदर जा रहे हैं, किसी ने भी नहीं रोका। अभी और कहाँ कहाँ जाएंगे आप लोग, और कहाँ कहाँ जाएंगे? ये यहाँ देने के लिए बोले थे बस। अंदर इस तरह का आपका दृश्य मतदान केंद्रों में देखने को मिल रहा है। हालांकि यहाँ पे जो है मतदाता है जो लंबी लंबी लाइन से 1.5 से 2 घंटे में खड़े हैं, और जो पार्टीगत कार्यकर्ता हैं वो कुछ ही समय में पल भर में मतदान केंद्र में जा रहे हैं, वहां अपना सामान का वहां अंदर छोड़ रहे हैं, आ रहे हैं, लेकिन यहां रोकने वाला कोई नहीं है। और ये बता दें कि ये मतदान फिलहाल शांतिपूर्ण जारी है, लेकिन इस तरह का बीच बीच में ये जो व्यवधान उत्पन्न की जा रही है, इसके लिए आखिर कौन जिम्मेदार है और इस पर किस तरह की कार्रवाई होगी, ये देखने वाली होगी। रायपुर से कैमरामैन श्याम के साथ सत्यराज। तो आपको बता दें, छत्तीसगढ़ में पूरे प्रदेश में लगातार जो है मतदान जारी है। लोग अपने उत्साह के साथ वहां पर पहुंच रहे हैं मतदान केंद्रों पर और अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। नेता लोग अधिकारी खुद भी वहां पहुंच रहे हैं और लगातार अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं लोगों में कितना उत्साह वहां पर नजर आ रहा है। 151 नगरीय निकायों में 2840 जो है पार्षदों का होना है। कांग्रेस और भाजपा के बीच सीधा मुकाबला यहाँ पर देखा जा सकता है। आपको बता दें त्रिकोणीय मुकाबला भी यहां पर है और लगातार मतदान जारी है। आपको बता दें 20% से ज्यादा अभी तक मतदान हो चुका है
और लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ विजय साहू हमारे साथ जुड़ गए हैं। क्या कुछ तस्वीरें अभी कितना प्रतिशत मतदान हुआ है और कौन से वार्ड क्रमांक में अभी आप उपस्थित हैं? हाँ मैम, क्या है यहाँ पर लगभग 20% से ज्यादा मतदान हो चुके हैं और भारी संख्या में मतदाता घर से निकलकर मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं और हम अभी वार्ड क्रमांक 10 पे हैं और यहाँ मतदान केंद्र में 4 जगह पर वोटिंग हो रहा है। कैसा उत्साह वहाँ पर लोगों में देखा जा रहा है और क्या कुछ इंतजाम लोगों के लिए वहाँ पर किए गए हैं? हाँ, काफी उत्साह है मैम। यहाँ पर इंतजाम तो विकलांगों के लिए व्हील चेयर वगैरह किए हुए हैं जी और सुरक्षा का कड़ा इंतजाम किए हुए हैं। बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए।